મોડાસામાં યુવતીના અપમૃત્યુ કેસમાં પોલીસની કામગીરી પર મોટા સવાલ ઉભા થઈ રહ્યા છે ત્યારે એસસી એસટી કમિશનના ચેરમેન અને અમદાવાદ પશ્ચિમ બેઠકના સાંસદ કિરીટ સોલંકી અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ વડા પાસે મૌખિક ખુલાસો માંગ્યો હતો. અરવલ્લીના એસપી, જિલ્લા કલેક્ટર અને સ્થાનિક રાજકીય આગેવાનો સાથે પોલીસે બેઠક કરી. આ બેઠકમાં તેમણે જિલ્લા પોલીસ વડાને આકરા વલણ સાથે ખુલાસો માંગ્યો, કેમ કે પોલીસે એફઆઈઆર નોંધવામાં મોડું કર્યું, કેમ તપાસ યોગ્ય રીતે થઈ નહીં તે વાનિક સવાલ કિરીટ સોલંકી અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ વડાને કર્યા, જેનો વિડીયો પણ સામે આવ્યો છે. સાંભળો કિરીટ સોલંકી અને અરવલ્લીના એસપી મયુર પાટીલ વચ્ચેનો સંવાદ. I ask you straight question. You are an IPS officer. Yes, sir. You are a very senior officer. Yes, sir. You are a superintendent of police. Do you agree that this prakar se koi atmahatya kar sakta hai? Wahan kitne sari odai hai. Jab koi vyakti apne par ka tel dale, phir baad mein wo bachne ke liye prayas karta hai. Ji. To aise latakne wale vyakti bhi बचने का प्रयत्न. यहाँ तो बहुत सारी वड़वाई है जी, कोई भी वो पकड़ सकती थी और वो बच सकते थे जी. आपको लगता है कि फैब्रिकेट किया है या उस वो लटकी है जेन्युइन? ये अब तो पुलिस के हैं, हम तो वी आर द लेमैन, हमें पता नहीं चलता है. मगर हम सामान्य बुद्धि से कह सकते हैं कि ये हैंगिंग नहीं है, ये सुसाइड नहीं है. सुसाइड करके आत्महत्या नहीं है और अपना पर्स बाजू में भरवाती भराती है. ऐसा कौन कौन करेगा? कौन पर्स बाजू में भरा के हैंग करेगा? और इतने सारे वड़वाई है कि वो कहीं भी पकड़ सकती है. और दूसरी बात, वो ऐसा पेड़ है कि यहाँ बैठे हैं इसमें से 95% लोग उस पर चढ़ नहीं सकते हैं. तो ये 19 साल की बेटी कहाँ उस पर चढ़ी? उसके बारे में जवाबदार लोगों ने, पार्टी के अध्यक्ष ने कंप्लेन किया हो जी. हेलो, ये जो अफसर है जी, पीआई है जी, वो कभी कानून के तौर पर नहीं जाता है, वो अपना इंटरेस्ट को आगे लगा के चाहता है जी. ऐसे आपके पास लिखित आई है सर, लेकिन वो मैटर इसके इसके त्रास से, इसके त्रासदी की वजह से पीआई की जी, एक दलित युवक ने आत्महत्या की है. दलित युवक ने आत्महत्या किया है. हम आपको सिलसिला बंद सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है. आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज थे जो एक गाड़ी में जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर का भी बयान हमारे पास है जी. जो ड्राइवर जिसके गाड़ी में उसके वो यहाँ तक लाया डेड बॉडी को, उसका भी बयान है हमारे पास. और सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा कैद है.